हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम व्लॉग्स। और ये एक वेगाटोर बीच का वीडियो है जो कि नॉर्थ गोवा का एक बहुत ही फेमस बीच है। तो चलिए थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये जो रास्ता है आप यहाँ से भी जा सकते हो, पर मैं गया था सीधा। तो पहले बता दूँ, मैंने बाहर स्कूटी पार्क किया हुआ है, वो कुछ 30 रुपीज़ लिए हैं। तो चलिए बीच के अंदर चलते हैं। तो बीच में एंटर करते ही आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा। तो ये बीच का जो मेन अट्रैक्शन है वो हम दिखाएंगे आपको। हाँ, वो जो पत्थर दिख रहा है ना, उसमें से मतलब मेन जो व्यू है वहाँ से बहुत अच्छा आता है। तो चलिए कुछ ऐसा ही नज़ारा है। और यहाँ पे भी वाटर स्पोर्ट्स होता है, पर यहाँ का वाटर स्पोर्ट जो है उतना फेमस नहीं है, फिर भी होता है यहाँ पे। पैरासेलिंग, बोटिंग। तो चलिए उस अट्रैक्शन की तरफ चलते हैं हम। पर यहाँ पे भी मतलब क्राउड बहुत अच्छा है। नॉर्थ गोवा का जितना भी बीच है सब बीच में क्राउड बहुत ही ज़्यादा है। साउथ गोवा में जो है बहुत ही मतलब क्राउडेड, लो क्राउडेड बीच है। तो चलिए उस पत्थर की तरफ ही चलते हैं। और फोटोशूट कर रहे हैं यहाँ पे सब। और ये पानी देखिए यहाँ का, आहा, देख रहे हैं दूर में पैरासेलिंग हो रहा है, वो देखिए सीधा। सब अपने अपने मज़े में। और गोवा एकदम मज़े करने का ही जगह है। गोवा में गए और मज़े नहीं किए तो जाना बेकार हो गया। ये देखिए, ये जो है मेन अट्रैक्शन है। इस पत्थर पे ना मतलब आप फोटो खींचोगे ना एकदम बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पे तो सब दोस्त जो है मैच करके सफ़ेद टी शर्ट पहन के हुए हैं, पहने हुए है। ये देखिए सब यहाँ पे बैठ के फोटो खींच रहे हैं। ये इसका तो गिर गया। ये देखिए पानी देखिए, और व्यू जो है बहुत अच्छा आता है। और ये मेरा एक बैक वाला पोस्ट था। बस पानी देखिए, दिल खुश हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक चेयर लेके बैठे रहे तो 2-3 घंटा यूं ही कट जाएगा। ये सनसेट का टाइम था, पूरा अंधेरा भी हो चुका था मैं जब गया था। तो चलिए अब मैं उस पत्थर पे चढ़ूंगा। फाइनली यहाँ आर एकटा ट्रेकिंग रूट पे छी। এই দেখে নাও, ট্রেকিং না ঠিক মানে এটা ভাঙা পাহাড়। আর আমার পাহাড় টাইপের দেখলেই মানে চলো যাই। আর মুঝে থোড়া পাহাড় চড়নে কা ভি শখ হ্যায়, শখ হ্যায় মতলব মেয়ে একবার ট্রেকিং মে যা চুকা হুঁ তবসে মতলব জহাঁ পে পাহাড় দেখু मतलब मुझे चढ़ना अच्छा लगता है। मैंने बटरफ्लाई बीच में भी वो थोड़ा पहाड़ के ऊपर चढ़ गया था।
बाबा। तो ये बीच में से मतलब एक छलांग लगा के जाना था, मैंने चला गया, मतलब प्रॉब्लम हुआ था थोड़ा। और उन वो जो वहाँ पे तीन, ये हाँ ये जो लड़का है ना, इसका चप्पल जो है पानी में बह गया था। मैं सोच रहा था कि जाऊँ तो कैसे जाऊँ। ये देखिए मतलब पानी का तो कुछ अलग ही सीन है यहाँ पे, और मैं ये चप्पल पहन के, मैं तो सोच रहा था कि गिर ना जाऊँ, ये तो मैं चढ़ गया। ऊपर चढ़ के जो नज़ारा दिखेगा ना आपको, मतलब क्या बताओ, दिल खुश हो जाएगा। चलिए थोड़ा चढ़ते हैं पहाड़। यह पे भी गंदा करके रखा है। ये देखिए मैं ऑलरेडी थोड़ा सा चढ़ चुका हूँ। अब देखिए ऊपर, देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे। बस ऊपर से जो नज़ारा दिखेगा ना आपको, बस ब्यूटी गोवा का यही है, मतलब ब्यूटी बहुत है। ये देखिए सब यहाँ पे फोटो फोटो खींचा रहे हैं, गंदा कर रहते हैं सब टूरिस्ट यहाँ पे आके, करना नहीं चाहिए। देखिए कितना सुंदर नजारा है। सब यहाँ पे मजे लेते हुए। देखिए कितना सुंदर नजारा है। और यहाँ पे तो भाई साहब मैचिंग मैचिंग पहन के, वो शर्ट पैंट एकदम मैचिंग। मैंने भी यहाँ पे बहुत सारा फोटो खिंचवा लिया। देखिए इतना सुंदर है। और नीचे भी बहुत सारे लोग जा चुके हैं, मैं नहीं गया, पर जा ही सकता था पर नहीं गया। ये देखिए दोनों भैया तो अच्छे से एकदम फोटो खींचवा रहे हैं। मतलब यहाँ पे बैठे रहो, दो तीन घंटा कहाँ से निकल जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए एक जीसस का साइन है। देखिए मतलब पूरा बीच यहाँ से दिख रहा है। मैं उस तरफ नहीं गया, एक जगह घूमते घूमते ही टाइम ख़त्म हो गया।